रोहन सर, जीनस पावर मेरी जो बाइंग है वो है 89 रुपीज की। इस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए? जीनस पावर, वन सेकेंड, जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर कितने? 85 है। देखिए, आप बने रह सकते हैं, 93 का ये चल रहा है, बिल्कुल स्टॉक अप ट्रेंड में है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा नजरिया लंबा रखे इसमें, और 85 की बाइंग है, हो सकता है वापस से 89। ये 89 की बाइंग है, तो एक बार वापस से ये आपके कॉस्ट प्राइस पे आ सकता है, लेकिन नजरिया थोड़ा सा आपको लंबा रखना पड़ेगा तभी आपको ये, क्योंकि ये बुलिश स्टॉक है, इसमें ज्यादा कोई करेक्शन हुआ नहीं, हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज जाए या एक रेंज में चले, तो थोड़ा लंबा नजरिया रखें, और आने वाले 1 से 2 साल में, अगेन थोड़ा सा मैं लंबा दूंगा, 1 से 2 साल में आपको ये स्टॉक 125 के लेवल को टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है, तो 1 से 2 साल का व्यू रखिए। अगर यहाँ से भी थोड़ा गिरावट होती है तो उसमें भी आप बाय कर सकते हैं 85 में। और एक इम्पोर्टेंट लेवल में देना चाहूंगा, उसके नीचे मुझे नहीं लग रहा कि ये स्टॉक शायद जाना चाहिए, वो है 80 का। 80 के नीचे नहीं जाएगा, लेकिन अगर कहीं मान लो कि 80 के नीचे जाता भी है स्टॉक, तो भी आप बने रह सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके फंडामेंटल्स को भी स्टडी किया, फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग है, तो ये मुझे ज्यादा से ज्यादा 89-88 तक ही लग रहा है ये जाएगा, और वापस वहां पे सपोर्ट लेके ये स्टॉक मूव होना जाएगा। तो जिनके पास भी ये स्टॉक है, काफी अच्छा स्टॉक है, बने रह सकते हैं, थोड़ा सा आप समय दीजिए, आपके पैसे जरूर बनेंगे स्टॉक जी। तो ये थी राय जीनस पावर इंफ्रा पर।